यहाँ पे जनता से ज्यादा संख्या में पुलिस वाले इकट्ठे होते हैं और ऐसे ही कई बातों को दबा दिया जाता है। 114 लोगों को इंजर्ड हुआ है, 140 लोगों का मौत हुई है। घटना में पूरी तरह सरकार जिम्मेदार है, कोई सेफ्टी क्लियरेंस नहीं था, उसके बावजूद उन्हें पुल चलाने के लिए दिया गया। आज जो ये गुजरात भवन में, गुजरात में जो ये पुल टूटने पे जो 141 लोगों से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, उसके विरोध में हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और गुजरात के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने की ज़रूरत है, ये हमारी मांग है यहाँ पे। और जितने भी लोगों की मौत हुई है उन परिजनों को मुआवजा देना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि 2 लाख का देना चाहिए, जिसकी वजह से जहाँ पे जो दिक्कत हुई उन कंपनियों के भी सभी मालिकों को मतलब गिरफ्तारी देनी चाहिए। ये इसी हम मांगों के साथ यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। प्रधानमंत्री जा रहे हैं आज, जवाब दो। मोरवी जा रहे हैं, हॉस्पिटल को सजाया जा रहा है, कुटाई हो रही है, वहाँ पे डिटेंशन कर रहे हैं ये लोग, अभी हमें प्रदर्शन नहीं करने दे रहे हैं यहाँ पे। जब भी यहाँ पे जनता अपने हक के लिए आती है, बात करती है, यहाँ पे जनता से ज्यादा संख्या में पुलिस वाले इकट्ठे होते हैं और ऐसे ही कई बातों को दबा दिया जाता है। बहुत बेरहमी से यहाँ पे डिटेन किया जाता है। हमारी मांग है, हम क्रांतिकारी युवा संगठन के सदस्य यहाँ पे प्रदर्शन करने आए हैं कि जो भी हमारे यहाँ पे जो प्रधानमंत्री जिस तरीके से बातें कहते हैं मांग रहे हैं, क्योंकि उनकी पूरी जिम्मेदारी है। जब और स्पीड में घटती है घटना, तब कहा जाता है उनकी 514 लोगों को इंजर्ड हुआ है, 140 लोगों का मौत हुई है और अभी भी डेड बॉडी उस नदी में तैर रही है और जिसका कोई माने नहीं है। तो बहुत आप देख सकते हैं कितना बुरा हाल है, पुलिस ने कैसे इन लोगों लड़कियों को कैसे आप देख सकते हैं कैसे पुलिस वाले बिल्कुल बुरी तरीके से सबको उठा उठा के लेके जा रहे हैं, खींच रहे बसों में। बहुत बुरा हाल है गुजरात भवन में उस टाइम में, जहां मोदी जी का निकट स्थान है। बहुत ही दयनीय स्थिति है, औरतों के साथ बहुत घसीटते ले जाया जा रहा है। हमारे लोगों को चोटें लगी हैं, बहुत ही बुरी स्थिति है। सर सर आप आ जाओ, आप अंदर चढ़िए।
देखिए हम यहाँ बहुत ही संवेदनशील मामले के लिए आए थे, बहुत सीरियस इशू था कि 141 लोग मारे गए वहाँ पे, और इसमें घटना में पूरी तरह सरकार जिम्मेदार है। कोई सेफ्टी क्लियरेंस नहीं था, उसके बावजूद उन्हें पुल चलाने के लिए दिया गया, और 100 लोग खाली अलाउ थे तो 500 लोगों को आपने टिकट क्यों दी? इसमें दिखाता है कि सरकार की पूरी जिम्मेदारी है, और जो CM है भूपेंद्र पटेल उनको इस्तीफा देना चाहिए और उनका पब्लिकली आके माफी मांगना चाहिए। हम मांग करते हैं गुजरात के मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे, हम मांग करते हैं कि गुजरात का मुख्यमंत्री जिम्मेदारी मिले। पुलिस वाले एकदम सबको बस में बिठा के लेके भाग गए हैं, बहुत बुरा हाल है, स्थितियाँ बहुत खराब हो रखी हैं, एक मिनट भी इनको नहीं रुकने दिया गया है।